पहले लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे जिसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट सपोज मेरे पास इनफाइनाइट लाइन है, आई हैव इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन में चार्जेस है ना, सो दिस वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला अभी तक हम डिस्क्रीट चार्जेस की बात कर रहे थे, लेट्स नाउ मूव टू कंटिन्यूस चार्जेस। सबसे पहले विल टेक दी लीनियर चार्ज लेंथ वाइज, सिर्फ एक डायमेंशन में एक एरे ले लिया मैंने ऑफ द चार्जेस। लेट्स सपोज एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल लेती हूँ मैं, आई टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल और इसमें जो चार्ज है दैट इज डी क्यू। ये बात समझ में आती है? लेट्स टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल और इसमें जो चार्ज है वो डी क्यू। अगर मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन बाय, डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो आई शुड राइट डाउन लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। द यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर, सो कूलम पर मीटर। मेरी बात समझ में आई? मैंने सिर्फ अभी एक कराया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ वाइज सिर्फ एक लेंथ में चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल कंसिडर किया और उसमें चार्ज लिया डी क्यू, तो अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी निकालना चाहूँ कितनी डेंसिटी होगी पर यूनिट लेंथ, निकालेंगे ना कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, सो इट विल बी डी क्यू बाय डी एल, सो लैम्डा वुड बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, दैट्स माई लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए एक सरफेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैंने एक सरफेस ले लिया, एक सर्कल ले लिया और उसके ऊपर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी में एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया। पूरा कोई भी अगर मेरे पास एक सरफेस है उसका एक छोटा पोर्शन मैंने कंसिडर किया, स्मॉल सरफेस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा क्यू या डी क्यू अपॉन डी एस। हाउ मच इज अ चार्ज विच इज वेरिंग, इसके ऊपर चार्ज अगर मैं डी क्यू ले लू, सो दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉट वुड बी द यूनिट ऑफ इट, इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर माइनस टू, सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑन द सिमिलर लाइन्स लेट्स नाउ राइट डाउन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज माय सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट्स नाउ राइट डाउन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मैं ऊपर वाला ही रेज कर रही हूं ताकि साथ साथ दिखता जाए। लेट्स गेट टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से क्या होगा? वॉल्यूम लेंगे हम पूरा और उसके ऊपर चार्ज लेंगे डी क्यू। कोई एक स्फीयर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। सो लेट्स राइट डाउन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। मैंने पूरा का पूरा एक वॉल्यूम ले लिया और उसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दैट आई हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट विल बी द यूनिट नाउ? इट विल बी कूलम मीटर माइनस थ्री। द
दिस इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो करा रही हूँ। पहले दो डेरिवेशंस हैं और फिर उसके बाद आई टेक योर डाउट्स। चलिए, मैंने आपको एक फोटो क्लिक करके भेजी थी एक क्वेश्चन की। हाँ बोलो। नहीं, वहीं पे ही चार्ज डीक्यू है, पूरे पे चार्ज निकालना है तो वो हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना उसके सरफेस से, विल गेट द टोटल चार्ज। क्या करते हो आप किसी भी चीज पे डेंसिटी निकालने का मतलब क्या है कि ये इसकी डेंसिटी है, ये इसको अगर सरफेस से मल्टीप्लाई कर देगा पूरे सरफेस से तो पूरे सरफेस का चार्ज आ जाएगा। अगर वो लाइन चार्ज है तो लैम्डा को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे पूरा चार्ज आ जाएगा। अगर वो वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी आ जाएगा तेरे पास। ठीक है, समझ आता है। चलिए, लेट्स गेट टू द डेरिवेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्जेस, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी है लेकिन जो एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज है उसमें ये दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इसीलिए मैं साथ साथ करा रही हूँ। ठीक है, डेरिवेशन आगे स्टार्टिंग में तो नहीं दी है लेकिन बाद में पीछे एडिशनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, टॉपिक से रिलेटेड थे तो मुझे लगा साथ साथ करा दूं। बाद में एनसीईआरटी कराते हो फिर भूल जाते हैं बच्चे, याद नहीं रहता। लेट्स गेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज लूप, ये दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक सर्कुलर लूप है और उसके ऊपर चार्ज है। एज वी ऑल नो कंडक्टर में चार्जेस ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस, है ना, तो इसका भी जो चार्ज है वो कहाँ लाया करेगा, सरफेस पे लाया करेगा। लेट सपोज एट एनी पॉइंट पी आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी एक पॉइंट पी पे, और ये जो मैंने लूप लिया इसका रेडियस ले लिया ए, और लेट सपोज एट दिस पॉइंट पी आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसका डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, और यहां पे कोई एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए डीएल और इसपे चार्ज डीक्यू। ये बात समझ में आती है, कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसका लेंथ है डीएल और चार्ज हो गया डीक्यू, ठीक है, यस और नो, इतना समझ आता है जो मैंने बताया अभी अभी, क्या दोबारा बताऊं? मैंने बोला एक सर्कुलर लूप ले लीजिए उसपे, ऑब्वियसली क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर पे चार्जेस ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे है। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये जो लूप मैंने कंसिडर किया इसका रेडियस ए है और जो पॉइंट पी आप कंसिडर कर रहे हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज गिवन टू मी एक्स। अब मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया डीएल और इसपे चार्ज लिया डीक्यू, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया डीएल और इसपे चार्ज लिया डीक्यू और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पी इज आर, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पी इज आर। अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ एलिमेंट से होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, डीई ऐसे होगी, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यस और नो, इतना समझ में आता है बेटा, साथ साथ रिस्पॉन्ड करो और प्लीज ये डायग्राम्स रजिस्टर में पैरेलली बनाते जाया करो वरना बाद में तो बनेंगे ही नहीं है, फिर तो यही नहीं समझ में आएगा पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या था, कैसे बनाया था डायग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने बोला जो मेरे फोर्स की डायरेक्शन होगी वही मेरे फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पी पॉइंट जहां पे फील्ड निकालते हैं वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अब दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए फोर्स क्या लगेगा,
आउटवर्ड्स लगेगा और इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी। ये बात समझ में आती है? हाँ जी, ठीक है। सो ये मेरे डीई की डायरेक्शन हो गई। अब ये जो डीई है, वी कैन मेक दिस, इफ आई कैन टेक दिस एंगल एज थीटा, तो आई कैन रिजॉल्व दिस डीई इनटू टू कंपोनेंट्स। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा। सो दिस कुड बी रिटन एज डीई कॉस थीटा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज डीई साइन थीटा, राइट। मैं हर स्टेप के बाद रुक रही हूं जस्ट टू गेट योर येस और नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब हर एक लेंथ एलिमेंट का जितना, अगर मैंने ये वाला लेंथ एलिमेंट लिया, इसी के सामने वाला अगर मैं लेंथ एलिमेंट लू, लेट्स सपोज, लेट्स इमेजिन, इसी के सामने जो लेंथ एलिमेंट है, मैं उसको सिर्फ एक बार ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगी अपने बोर्ड से, नहीं तो ये मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो प्लीज नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फॉर एवरी लेंथ एलिमेंट ओवर हेयर, फॉर एवरी लेंथ एलिमेंट ओवर हेयर देयर एग्जिस्ट वन मोर लेंथ एलिमेंट। अब इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऐसे होगी डीई, और उसको फिर से अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इस तरफ आएगा डीई कॉस थीटा और इस तरफ आएगा डीई साइन थीटा। ये बात समझ में आती है? मैंने बोला इस लेंथ एलिमेंट के ऑपोजिट एक और लेंथ एलिमेंट है, और ये वाले लेंथ एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो, तो जैसे यहाँ डीई कॉस थीटा आया वैसे इसकी वजह से भी डीई कॉस थीटा आएगा, ऊपर डीई साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, येस और नो। ये दोनों, फॉर एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लूप देर इज ऑपोजिट पॉइंट विच विल ऑल्सो लाई ऑन द लूप विच विल कैंसिल आउट द साइन थीटा कॉम्पोनेंट। सो द कॉम्पोनेंट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली द कॉस थीटा एंड नॉट द साइन थीटा कॉम्पोनेंट। इज इट क्लियर? है ना? So the component which is contributing for my electric field is only the cos theta. So I have to calculate dE cos theta for the loop. Okay? So the net electric field which will be given by is dE cos theta which is contributing to me. dE is dE cos theta is the component that is contributing to me which I am supposed to calculate. Now before I find out DE, सबसे पहले मुझे ये चार्ज DQ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मुझे पता है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आई नो, जो फॉर्मूला मुझे पता है दैट सेज के क्यू बाय आर स्क्वायर, एंड फॉर हेयर अगर मैं यहाँ DE लिखू इट इज के DQ by R square. This is my formula. I have to calculate DQ first. How will I calculate DQ now? Using my linear charge density का concept. अगर मैं इस पूरे के पूरे चार्ज के ऊपर Q charge imagine करती हूँ, इस पूरे circular loop पे अगर मैं Q charge imagine करूँ